नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है द साइंटिफिक हिंदू यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेंद्र। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में कट्टरपंथियों ने शनिवार रात देव प्रकाश के घर में आग लगा दी। पीड़ित देव प्रकाश ने कुछ महीने पहले ही इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म को अपना लिया था, वो भी परिवार सहित। उन्होंने अपना नाम मोहम्मद अनवर से बदलकर देव प्रकाश रख लिया था। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक वह अपनी जमीन पर मंदिर बनवा रहे थे। इससे नाराज होकर कट्टरपंथियों ने इस घटना को अंजाम दिया। हिंदू समुदाय के लोगों द्वारा की गई मदद से प्रभावित होकर उन्होंने इस्लाम को त्यागा था। बताया जा रहा है कि वे अपने घर के नजदीक मंदिर बनवाने जा रहे थे। इसकी वजह से उनके आसपास रहने वाले शांत प्रिय समुदाय के कट्टरपंथी काफी नाराज थे। दैनिक भास्कर में प्रकाशित हुई रिपोर्ट के मुताबिक देव प्रकाश पटेल अपने घर के नजदीक स्थित जमीन पर मंदिर का निर्माण करा रहे थे। इस बात से गांव के कुछ लोग उनसे काफी नाराज थे। इस बात को आधार बनाते हुए शनिवार देर रात कई लोगों ने उनके घर को आग के हवाले कर दिया। इस वारदात को अंजाम देने से पहले आरोपितों ने देव प्रकाश के घर के दरवाजे भी बंद कर दिए थे। आग बढ़ने के बाद बच्चों ने चीखना शुरू कर दिया, जिसके बाद देव प्रकाश ने पीछे का दरवाजा तोड़कर अपनी और अपने बच्चों की जान बचाई। पीड़ित ने ग्राम प्रधान ताहिर अहमद, अली अहमद, इम्तियाज आदि पर जिंदा जलाने के प्रयास का आरोप लगाया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने ग्राम प्रधान समेत कुल 5 आरोपितों पर मामला दर्ज कर लिया है। घटना के बाद जिलाधिकारी और SP ने भी पीड़ित देव प्रकाश से मुलाकात की। DM ने देव प्रकाश को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भी पीड़ित से मुलाकात की। मित्रों, आपको बता दें कि सितंबर 2020 में रायबरेली सलोन स्थित रतासो गांव के निवासी मोहम्मद अनवर ने केको गोना घाट पर हिंदू धर्म में वापसी की थी। धर्मांतरण के बाद मोहम्मद अनवर ने अपना नाम देव प्रकाश पटेल रख लिया था। धर्मांतरण के बाद उन्होंने अपने 3 बच्चों रेहान, अली और खुशी का नाम देवनाथ, देवी दयाल और दुर्गा देवी कर दिया था। देव प्रकाश पटेल ने मुंडन करवाने के बाद पूरे विधि विधान से हिंदू धर्म में वापसी की थी, लेकिन आसपास रहने वाले कट्टरपंथियों को यह बात हजम नहीं हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार को ग्राम प्रधान ताहिर अहमद ने देव प्रकाश पटेल के घर को आग के हवाले कर दिया। इस घटना के दौरान घर में मौजूद सभी लोग सो रहे थे। देव प्रकाश ने किसी तरह अपनी और अपने बच्चों की जान बचाई, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उनका घर पूरी तरह जलकर राख हो गया है। देव प्रकाश पटेल धर्मांतरण से पहले फकीर बिरादरी से ताल्लुक रखते थे। कुछ साल पहले उनकी बीवी का निधन हो गया था। उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। उनके सामने जीवन यापन की बड़ी चुनौती थी। इस बीच आसपास रहने वाले हिंदू परिवारों ने बिना किसी भेदभाव के उनकी मदद की। वह इस बात से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने इस्लाम धर्म को ही त्याग दिया। देव प्रकाश ने हिंदू धर्म स्वीकार करने से पहले प्रशासनिक अधिकारियों का भी सूचित किया था। साथ ही यह भी कहा कि उन्होंने यह कदम अपनी इच्छा से उठाया है, उन पर किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं बनाया गया है। लेकिन यह बात इन कट्टरपंथियों को रास नहीं आई और एक हिंदू का घर उन्होंने इसलिए जला दिया क्योंकि वह अपने धर्म में वापस लौट आया। तो मित्रों, आपका इन कट्टरपंथियों पर क्या सोचना है, कमेंट करके बताएं। ऐसे ही वीडियो और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।